हटने के बाद ये पहली बार है जब जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, संगठन और सरकार में होने वाले फेरबदल पर चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो सरकार की तरफ से बहुत स्वाभाविक है सीएम योगी आदित्यनाथ को तो रहना पड़ेगा, क्योंकि संगठन की तरफ से जगत प्रकाश नड्डा, महेंद्रनाथ पांडे, ये सारे लोग मौजूद तो रहेंगे ही, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ स्वागत करने जाएंगे एयरपोर्ट पर जगत प्रकाश नड्डा का, चूंकि ये कार्यकारी अध्यक्ष है और अभी भी ये जिम्मेदारी अमित भाई शाह के पास है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष तो बना ही दिए गए हैं जगत प्रकाश नड्डा। एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दे दी गई है। दो दिन के लखनऊ दौरे पर है, यानी आज और कल। कल ये बनारस भी जाएंगे, चूंकि वहां पर देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं अभिषेक पांडे। इस संबंधित पूरी जानकारी देंगे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए अभिषेक। देखिए, जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश आज पहुंच रहे हैं, लखनऊ आएंगे। सबसे पहले शाम 4 बजे उनका स्वागत होगा, क्योंकि बतौर कार्यकारी अध्यक्ष पहली बार वो आ रहे हैं, तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम भी रखा गया है और उनका स्वागत समारोह कई जगह आयोजित किया गया है। पार्टी दफ्तर में आज शाम को 3 सूत्रीय एजेंडे पर एक अहम बैठक भी करेंगे जेपी नड्डा, जिसमें संगठन के विस्तार को लेकर बातचीत होगी, साथ ही साथ 12 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बात होगी, और यूपी बीजेपी के लिए नया अध्यक्ष कौन हो सकता है, वो चेहरा कौन हो सकता है, इस पर भी बातचीत होगी। ये रहा आज का कार्यक्रम। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं और वहां भी वो संगठन और सदस्यता के कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो ऐसे में बतौर कार्यकारी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी में मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका अभिषेक।